नमस्कार दोस्तों, आज अपन इस वीडियो के अंदर कोरोना वायरस की जो स्टेज होती है, कोरोना वायरस की जो अवस्थाएं होती है, कोरोना वायरस की हम अवस्थाओं के बारे में सीखेंगे। हम बहुत सारी बातें ऐसे सुनते रहते हैं, परंतु हम उनका वास्तविक अर्थ क्या होता है, उनका वास्तविक मतलब क्या होता है, उनके बारे में कभी गौर नहीं करते हैं। हम समाचार पत्रों के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से ये सुनते रहते हैं कि भाई वर्तमान में भारत में कोरोना वायरस की दूसरी स्टेज चल रही है, या इसमें इटली है, चीन है, इनके अंदर जैसे कोरोना वायरस की चौथी स्टेज चल रही है। तो ये जो स्टेज है, ये वास्तव में होती क्या है, आज हम इसके बारे में देखेंगे। देखो, किसी भी चीज का हम वर्गीकरण करते हैं, किसी भी चीज को हम बांटते हैं, किसी भी चीज का हम निर्धारण करते हैं, तो हमारे पास कोई न कोई आधार होता है। तो कोरोना वायरस की जो ये चारों स्टेज है, इन चारों स्टेजों को हम यदि वर्गीकृत करते हैं, तो इनका जो सबसे महत्वपूर्ण आधार होता है, यह होता है कि किसी भी देश में, किसी भी क्षेत्र विशेष में कितने लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए, यानी लोगों की संख्या के आधार पर, अर्थात संक्रमित लोगों की संख्या के आधार पर हम कोरोना वायरस की स्टेज के बारे में सीखते हैं। या अपन यूं कह सकते हैं कि कितने लोग संक्रमित हुए, उनमें से कितने लोगों की मृत्यु हुई, या किसी क्षेत्र विशेष में संक्रमित होने वाले लोगों का घनत्व क्या होता है, इन सब के आधार पर हम कोरोना वायरस की स्टेज के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों, कोरोना वायरस की मुख्यतः चार स्टेज होती है, कोरोना जो वायरस है इसकी चार स्टेज होती है। तो हम बात करते हैं सबसे पहली स्टेज की, कि कोरोना वायरस की पहली स्टेज क्या होती है। कोरोना वायरस की जो पहली स्टेज होती है, इसमें मुख्यतः अपन देखो, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि कोई भी वायरस होता है, जैसे हम यहाँ कोरोना वायरस की बात करते हैं, तो इस वायरस की उत्पत्ति चमगादड़ के द्वारा हो सकती है, बिल्लियों के द्वारा हो सकती है, अथवा कैमल्स के द्वारा हो सकती है। यानी कोई भी जो वायरस होता है, उस वायरस की जो उत्पत्ति होती है, वो उत्पत्ति किस आधार पर होती है, उससे भी हम इसका पता लगा सकते हैं। लेकिन यहां देखो, कोरोना वायरस की जो अभी उत्पत्ति हुई है, उसके बारे में हमें यह पता नहीं है कि इसकी उत्पत्ति किससे हुई है। WHO ने भी ये माना है कि कोरोना वायरस की जो उत्पत्ति है, वो सी फूड के आधार पर, अर्थात समुद्री जो खाद्य पदार्थ है, उनके आधार पर WHO की आशंका है। हालांकि ये कंफर्म नहीं हुआ है कि समुद्री खाद्य अर्थात सी फूड से ही कोरोना वायरस की उत्पत्ति हुई है, यानी अभी तक ये कंफर्म नहीं है। इसके ऊपर आशंका जताई जा रही है, ये आशंका इस आधार पर जताई जा रही है कि आपको पता है, कोरोना वायरस की जो उत्पत्ति हुई है, वो चीन के अंदर हुई है। चीन का जो वुहान शहर है, वुहान शहर के अंदर जो एक मार्केट है, उस मार्केट में सबसे पहले इस कोरोना वायरस से लोगों में संक्रमण हुआ था। और वो जो मार्केट है, उस मार्केट में मुख्यतया क्या है, सी फूड यानी समुद्री खाद्य पदार्थ, जैसे समुद्री मछलियां है, इसके अलावा अन्य कई प्रकार के जो जानवर है जिनका उपयोग खाने के लिए किया जाता है, उस मार्केट के अंदर मुख्यतः ये बेचे जाते हैं। अर्थात जो वुहान जो मार्केट है, वो सी फूड यानी समुद्री खाद्य पदार्थों का ही मार्केट है। तो इस आधार पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ये आशंका जता रहा है कि भाई कोरोना वायरस की उत्पत्ति कहीं सी फूड से तो नहीं हुई है। हालांकि अभी तक कंफर्म नहीं है, इसकी उत्पत्ति किसी कैट से भी हो सकती है, चमगादड़ से भी हो सकती है, अन्य किसी से भी हो सकती है, अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है। तो जो हम बात कर रहे हैं कि फर्स्ट स्टेज क्या होती है, पहली स्टेज का मतलब है, पहली स्टेज के अंदर जो कोरोना वायरस से जो संक्रमित व्यक्ति होते हैं, उन संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बहुत ही कम होती है। अर्थात मैं यूं कह सकता हूं, जैसे आप इसको यूं समझिए कि चीन के अंदर अपन फर्स्ट स्टेज की बात करते हैं, चीन का जो वुहान मार्केट है, वुहान शहर है, उसके अंदर जैसे मान लो सबसे पहले कोरोना वायरस की उत्पत्ति हुई, तो अपन संपूर्ण चीन की दृष्टि से यदि देखें, तो शायद वो जो वुहान शहर है, वो वुहान मार्केट है, वहां की जनसंख्या बहुत ही कम है। तो वहां सबसे पहले वायरस की उत्पत्ति हुई, और वो जो वायरस है, उस मार्केट में रहने वाले कुछ लोगों में संक्रमित हुआ। इसका मतलब देखो,
पहली स्टेज को हम यूं कह सकते हैं कि फर्स्ट स्टेज के अंदर संक्रमित होने वाले लोगों की जो संख्या होती है वो बहुत ही कम होती है, यानी बहुत बड़ा एरिया, बहुत ज्यादा लोग इससे संक्रमित नहीं होते। तो अपन यदि अब भारत के संदर्भ में देखें कि भारत के संदर्भ में फर्स्ट स्टेज क्या होती है, तो अपने को पता है कि भारत के अंदर या अन्य किसी देश के अंदर कोरोना वायरस की कोई उत्पत्ति नहीं हुई थी। भारत के अंदर जो मुख्यतः कोरोना वायरस की जो उत्पत्ति हुई थी वो इस आधार पर हुई थी कि भारत के अंदर विदेशों से जो संक्रमित नागरिक थे, चाहे वो मुसाफिर के रूप में या पर्यटक के रूप में हमारे देश में आए होंगे, या भारतीय मूल के कई नागरिक थे वो कहीं विदेश में रह रहे थे और वो यदि अपने देश में आए होंगे, तो उस आधार पर जो नागरिक आए थे उस आधार पर अपने देश के अंदर कोरोना वायरस संक्रमित हुआ। इसका मतलब आप अंदाज लगा दीजिए कि फर्स्ट स्टेज के अंदर जो नागरिक आए थे, यानी बाहर से आने वाले नागरिक है, पर्यटक के रूप में आने वाले जो नागरिक है, यदि अपन संपूर्ण भारत देश के साथ यदि उसकी तुलना करें तो मेरे हिसाब से उनकी संख्या बहुत ही कम है। तो पहली स्टेज के बारे में मैंने बताया है, पहली स्टेज वो होती है जिसमें संक्रमित होने वाले नागरिकों की संख्या, संक्रमित होने वाले व्यक्तियों की संख्या बहुत ही कम होती है। यदि अपन अपने देश के संदर्भ में बात करें तो जो विदेशी नागरिक, चाहे वो भारतीय मूल के हो चाहे वो विदेशी पर्यटक के रूप में हमारे देश में आए थे, केवल उन व्यक्तियों को जब तक संक्रमण था, कोरोना वायरल से वो पॉजिटिव थे, वो जो स्टेज थी वो स्टेज कौन सी है, कोरोना वायरस की स्टेज फर्स्ट है। अर्थात कोरोना वायरस की जो फर्स्ट स्टेज होती है उसमें संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बहुत ही कम होती है। और जो कोरोना वायरस की जो फर्स्ट स्टेज थी अपने देश के अंदर फरवरी माह के लास्ट वीक में, अथवा जो मार्च माह का जो पहला वीक था या दूसरा वीक था, इन एक दो वीक के अंदर, एक दो सप्ताहों के अंदर जो कोरोना वायरस था वो पहली स्टेज के अंदर रहा था। लेकिन अब अपन बात करते हैं कोरोना वायरस के दूसरे स्टेज की। तो कोरोना वायरस की जो दूसरा स्टेज क्या है, दूसरे स्टेज में अपन यूं कह सकते हैं कि प्रथम स्टेज में जितने नागरिक संक्रमित थे, अब आप चाहे चीन के वुहान शहर की बात कर लो, चाहे आप भारत के अंदर आने वाले विदेशी नागरिकों की बात कर लो, या भारतीय मूल के जो नागरिक थे वो पहले बाहर थे और अब यदि अपने देश में आए उनकी बात कर लो, दूसरी स्टेज के अंदर वो नागरिक आते हैं जो पहली स्टेज के अंदर संक्रमित नागरिक थे उनके संपर्क में आ गए। अर्थात दूसरी स्टेज के नागरिकों की या संक्रमित व्यक्तियों की संख्या जो है वो पहली स्टेज के संक्रमित व्यक्तियों की संख्या से कई गुना अधिक होती है। मैं आपको यहां थोड़ा सा बता देना चाहता हूं कि जिस प्रकार वायरस जो है वो गुणा के रूप में संक्रमण करता है, इसी प्रकार ये जो संक्रामक रोग होते हैं, जो संपर्क द्वारा फैलते हैं, जो वायरल होते हैं, इनमें इनकी भी जो संख्या बढ़ती है वो निश्चित रूप से गुणा के रूप में बढ़ती है। अब आप अंदाज लगा लीजिए, अपने देश में मान लीजिए 50 व्यक्ति बाहर से आए, वो 50 व्यक्ति किसी परिवार में गए, घर में गए, तो आप अंदाज लगा लीजिए, और अपने रिलेशन, अपने सगे संबंधियों के गए तो आप देख लीजिए कि कितने व्यक्ति उनसे प्रभावित हो सकते हैं। 50 से 500 व्यक्ति प्रभावित हो सकते हैं, 1000 व्यक्ति संक्रमित हो सकते हैं। तो पहली स्टेज के जो नागरिक थे, संक्रमित व्यक्ति थे, उनके संपर्क में आने से जिन व्यक्तियों को कोरोना वायरस संक्रमित हुआ, पॉजिटिव हुआ, वो स्टेज होती है कोरोना वायरस की दूसरी स्टेज। मैं यहां थोड़ी सी के फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज के बारे में और विशेष रूप से भारत के संदर्भ में बात करना चाहता हूं कि कोई भी जो कोरोना वायरस होता है, जब तक आपको पता है किसी निर्जीव में होता है, शरीर से बाहर होता है, तब तक वो निर्जीव होता है, लेकिन जब किसी भी सजीव में, अर्थात कोरोना वायरस मुख्यतः मनुष्यों के अंदर संक्रमित होता है, हाँ उसका माध्यम कुछ भी हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा जो माध्यम है वो संपर्क है इसका,
कॉन्टेक्ट है, एक दूसरे का जो संपर्क होता है, संपर्क के द्वारा ही कोरोना वायरस है वो एक व्यक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तो यहां मैं थोड़ा सा कि पहली स्टेज और जो ये दूसरी स्टेज है, पहली और दूसरी स्टेज के बीच में थोड़ा सा रिलेशन स्थापित करना चाहता हूं। हमारे देश में देखो मुख्यतः क्या हुआ, आपको मैं उदाहरण द्वारा समझा सकता हूं कि मान ली कोरोना वायरस की एक खास विशेषता होती है कि कोरोना वायरस से शुरुआती जो 14-15 दिन होते हैं, इन दिनों तक अपनी संक्रमण अवस्था को ये संक्रमित अवस्था पॉजिटिव दर्शाए या नहीं दर्शाए ऐसा नहीं हो सकता, यानी नहीं दर्शाता भी है। यदि जिस व्यक्ति की एंटीबायोटिक पावर, शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है, मजबूत होती है, और यदि वो व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित हो भी जाए, फिर भी वो जो व्यक्ति है उसमें जांच करने पर ऐसा जरूरी नहीं है कि उसमें पॉजिटिव पाया जाए। लगभग 14-15 दिन के बाद ये कोरोना वायरस जिस व्यक्ति में प्रवेश किया है उसके बाद जांच के अंदर है, उसके अंदर पॉजिटिव पाया जाता है। अपने देश के अंदर हुआ क्या कि शुरुआती जो 14-15 दिन थे, आप मान लीजिए मार्च का जो प्रथम सप्ताह था, मान लीजिए अपने देश में बाहर से 50 व्यक्ति आए, लेकिन 50 व्यक्तियों में से बहुत ही कम व्यक्तियों में संक्रमण पॉजिटिव पाया जाए। वो जो मैं आपको वो बता रहा हूं, चाहे 500 व्यक्ति आए थे लेकिन उनमें से 50 व्यक्ति पॉजिटिव थे, कोरोना पॉजिटिव थे, लेकिन उन 50 व्यक्तियों में से मान लीजिए केवल 5 व्यक्ति ही उस टाइम पॉजिटिव पाए गए। 45 जो व्यक्ति थे उनमें संक्रमण हुए कोई 1-2-4-5 दिन हुआ था, इसलिए जांच में भी उनका पॉजिटिव नहीं आया था। अब वो 5 जो व्यक्ति थे उनको तो सरकार ने आइसोलेट कर दिया, विलग कर दिया, हॉस्पिटल में ले गए, उनको ये सलाह देने लगे कि भैया आप आइसोलेट रहें, उनको ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, लेकिन जो 45 व्यक्ति थे, मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं, जो 45 व्यक्ति थे प्रथम जांच के अंदर है उनमें पॉजिटिव नहीं पाया गया। हालांकि सरकार ने स्क्रीनिंग पूरी कर ली कि कितने व्यक्ति कहां कहां से आए थे। अब 45 व्यक्ति वास्तव में वो पॉजिटिव थे लेकिन जांच में वो पॉजिटिव आए नहीं। अब वो 45 व्यक्ति अलग अलग स्थानों पर अपने अपने घरों में या पर्यटन में जहां भी आ गए। अब देखो वो 45 व्यक्ति ने जाने कितने व्यक्तियों के संपर्क में आए, मान लीजिए एक व्यक्ति, मैं मिनिमम बात कर रहा हूं 10 व्यक्ति के संपर्क में तो जरूर आ सकता है, किसी के हाथ मिलाने से भी आ सकता है, किसी के अन्य किसी हर प्रकार से संपर्क में आ गए। 45 व्यक्ति मान लीजिए 10 व्यक्तियों के भी यदि संपर्क में आ गए तो कुल मिला के संक्रमण की संख्या कितनी हो गई, 450। अब हमारी सरकार समय समय पर जो व्यक्ति संक्रमित थे या जो व्यक्ति बाहर से आए थे उनकी स्क्रीनिंग एयरपोर्ट के ऊपर हो गई थी, तो सरकार ने उन व्यक्तियों को विशेष रूप से चिन्हित भी कर दिया था कि भाई ये व्यक्ति है वो इन इन क्षेत्रों के अंदर बाहर से आए हैं। प्रथम दृष्टया उनका नेगेटिव आया था। अब वो 13-14-15 दिन हो गए, अब उन दोबारा या तिबारा जब उन व्यक्तियों की जांच करी, जांच करने पर वो व्यक्ति खुद पॉजिटिव पाए गए, तो फिर सरकार ने ये ऐलान करना शुरू कर दिया कि भाई ये व्यक्ति ने जाने कितने व्यक्तियों के संपर्क में आए थे। अब वो जो संपर्क में आए थे उनका पता लगाना बड़ा मुश्किल हो गया, तो उनका पता लगाने के लिए फिर हमारी सरकार ने, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने केवल एक ही बात कही कि आप संपर्क से दूर रहे। और इसी कड़ी में 22 मार्च को सुबह 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक लगभग 14 घंटा का जो जनता कर्फ्यू का ऐलान सरकार ने किया था, और हमारे देश की जनता ने बहुत बड़ी समझदारी से और सरकार के बड़े ही सहयोगात्मक रवैये से जो इसमें सहयोग किया था, तो वो सहयोग वास्तव में बहुत ही सराहनीय है। तो इस सहयोग से यानी दूसरी स्टेज में यदि कोई बच सकता है तो केवल संपर्क न करें, इसी सिद्धांत के आधार पर, इसी मंत्र के आधार पर बच सकते हैं। तो ये जो स्टेज है लगभग मार्च महीने के अंत तक चलेगी या अप्रैल के प्रथम वीक तक, इसीलिए हमारे देश में 31 मार्च तक है या अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक है, कई स्थानों पर लॉकडाउन किया गया है, कई स्थानों पर शटडाउन किया गया है, ये जो नीतियां अपनाई गई है ये
तो मैं आपसे इतनी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, भारत का एक नागरिक होने के नाते और एक लोक सेवक होने के नाते इतनी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के वो जो शब्द थे, वो शब्द की ज्यादा से ज्यादा लोग संपर्क से दूर रहें और आइसोलेट रहें, जनता कर्फ्यू का पालन करें, अपने घरों में रहें। मैं भारत का नागरिक होने के नाते और एक लोक सेवक होने के नाते हृदय से आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि मार्च के अंतिम सप्ताह तक अथवा अप्रैल के प्रथम वीक तक ज्यादा से ज्यादा लोग अपने आप को दूसरों से आइसोलेट रखें, अपने आप को अलग रखें, अपने आप को संपर्क से बचाए रखें। तभी ये जो सेकेंड स्टेज से अपन बच सकते हैं। और निश्चित रूप से यदि प्रत्येक भारतवासी ऐसा ठान लेगा तो कोरोना वायरस हिंदुस्तान के अंदर तीसरी स्टेज में प्रवेश ही नहीं करेगा। और मैं आपको एक चेतावनी देना चाहता हूं, एक अपील करना चाहता हूं कि यदि कोरोना वायरस हिंदुस्तान के अंदर तीसरी स्टेज के अंदर प्रवेश कर गया तो जानकार और विशेषज्ञ ये बताते हैं कि हिंदुस्तान में उसका कंट्रोल होना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा सरकार की जो गाइडलाइन जारी की जाती है, सरकार की जो एडवाइजरी जारी की जाती है, उनका पालन करें और संपर्क से बचें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।